लोकसभा क्षेत्र राजनीतिक लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। इस साल 2008 में अस्तित्व में आई अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित टीकमगढ़ लोकसभा सीट पर मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच देखने को मिलता आया है। आइए एक नजर डालते हैं टीकमगढ़ लोकसभा क्षेत्र के भौगोलिक और राजनीतिक महत्व पर। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड अंचल के उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ टीकमगढ़ लोकसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। टीकमगढ़ लोकसभा सीट वर्ष 2008 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई। इसमें कुल 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें टीकमगढ़ जिले की टीकमगढ़, जतारा और खरगापुर, निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर और निवाड़ी और छतरपुर जिले की महाराजपुर, छतरपुर और बिजावर विधानसभा सीटें शामिल हैं। यह सब विधानसभा साल 2008 के पहले खजुराहो लोकसभा क्षेत्र में आते थे, लेकिन साल 2008 के परिसीमन के बाद टीकमगढ़ लोकसभा सीट अस्तित्व में आई और साल 2009 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सागर लोकसभा क्षेत्र से 4 बार लगातार सांसद रहे डॉ. वीरेंद्र कुमार को टीकमगढ़ आरक्षित लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया। कांग्रेस के वृंदावन अहिरवार को हराकर वे 5वीं बार लोकसभा में पहुंचे। साल 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने फिर डॉ. वीरेंद्र कुमार को अपना उम्मीदवार बनाया, तो वहीं कांग्रेस से कमलेश वर्मा उम्मीदवार रहे और डॉ. वीरेंद्र कुमार ने जीत हासिल कर 6वीं बार वे लोकसभा पहुंचे। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में 7वीं बार उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया और उनका मुकाबला कांग्रेस की किरण अहिरवार से हुआ। डॉ. वीरेंद्र कुमार ने इस बार कांग्रेस की किरण अहिरवार को 3,48,000 से ज्यादा वोट से हराकर जीत हासिल की और लगातार 7वीं बार सांसद चुने गए। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने टीकमगढ़ लोकसभा क्षेत्र से डॉ. वीरेंद्र कुमार पर फिर भरोसा जताया है, तो वहीं कांग्रेस ने पंकज अहिरवार को अपना उम्मीदवार बनाया है। ना तो हमारे जिले में किसी प्रकार की शिक्षा की कोई व्यवस्था है, ना ही हमारे जिले में देखिए स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था है। आप देखिए कि छोटे छोटे से इलाज के लिए जिले से दूसरे जिले, जो पड़ोस का जिला है झांसी, वहाँ पर रेफर किया जाता है, तो मेडिकल की 1% भी कोई सुविधा नहीं है। तो इन सारे मुद्दों को लेकर हम लोगों के पास जाएंगे, उनसे निवेदन करेंगे कि अगर विकास करना है, अपने जिले का विकास कराना है, तो निश्चित ही कांग्रेस को चुनना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस वो पार्टी है कि जो सबको साथ में लेकर चलती है और विकास के मुद्दों पर काम करती है। पिछले 10 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इस क्षेत्र में जिस तरह से सड़कों का विस्तार हुआ है, झांसी खजुराहो 4-लेन एक्सप्रेस हाईवे बना, ओरछा से टीकमगढ़ होते हुए सहायगढ़ जबलपुर तक NH-539 की स्वीकृति हुई, ईसानगर के दशान नदी पर पुल बन जाने से टीकमगढ़ और छतरपुर की कनेक्टिविटी की दूरी कम हुई, और 2024 के चुनाव के बाद देश तो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा ही, उनके साथ ही साथ टीकमगढ़ छतरपुर संसदीय क्षेत्र भी विकास की दौड़ में कहीं पीछे नहीं रहने वाला है। टीकमगढ़ लोकसभा क्षेत्र से 18,17,760 मतदाता हैं, जिसमें से पुरुष मतदाता 9,53,515 हैं, वहीं महिला मतदाता 8,64,212 हैं और थर्ड जेंडर के कुल मतदाता 30 हैं। तीनों जिलों में 2,077 मतदान केंद्रों पर इस बार वोट डाले जाएंगे। टीकमगढ़ लोकसभा क्षेत्र में रहने वाले 75% लोग कृषि पर निर्भर हैं, वहीं टीकमगढ़ लोकसभा क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और पेयजल के मुद्दे पर हर उम्मीदवार के लिए वे चुनौती बने हुए हैं। उम्मीदवार ईमानदार होना चाहिए, कर्मठ होना चाहिए, जनता की सेवा करने वाला होना चाहिए। यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं बहुत खराब हैं, शिक्षा की सेवाएं बहुत खराब हैं, सड़क खराब हैं, बुनियादी जो सुविधाएं हैं वो अच्छी होना चाहिए, समाज हित में होना चाहिए। एक बड़ी चिंता का विषय है पलायन, यहाँ की जनता पलायन करती है और वो 3 मुद्दे हैं, मैं समझता हूँ उनके कारण ही लोगों का पलायन हो रहा है। पहला है यहाँ उचित शिक्षा व्यवस्था का ना होना, उचित स्वास्थ्य व्यवस्था का ना होना और उचित कारखानों का, किसी भी रूप के कारखानों का जो रोजगार के लिए कारण बने, ना होना ही एक पलायन का कारण है। हम लोग इस बार प्रधानमंत्री के रूप में ऐसे व्यक्ति को देखना चाहते हैं जो बेरोजगार युवाओं पर ध्यान दे और देश के विकास में सहयोग करे और साथ ही जो महंगाई इतनी बढ़ रही है वो महंगाई पर भी ध्यान दे, महंगाई को कंट्रोल करें और
मुख्यतः जो बेरोजगार युवा घूम रहे हैं उन पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। जो भी पार्टी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज और रेलवे के डेवलपमेंट के लिए जो भी पार्टियां काम करेंगी उनके लिए हम वोट देंगे। हमारे यहाँ रोजगार की सबसे बड़ी कमी है। कोई भी यहाँ पे कोई बड़ी इंडस्ट्री, गवर्नमेंट का कोई ऐसा उपक्रम यहाँ पे नहीं है जो केंद्र सरकार से संचालित हो और यहाँ पे बाहर के भी लोगों के साथ साथ अपने यहाँ के लोगों का रोजगार मिले। टीकमगढ़ लोकसभा क्षेत्र में अगर जातियों की बात करें तो यहाँ अहिरवार और यादव समाज का दबदबा है। टीकमगढ़ लोकसभा क्षेत्र में मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में होता आया है। इसके बाद उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ क्षेत्र होने के चलते बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी भी अपनी उपस्थिति यहां दर्ज करवाती है। हाल ही में हुए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में टीकमगढ़ लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली 8 विधानसभा सीटों में से 5 भारतीय जनता पार्टी के पास हैं और 3 विधानसभा सीटें कांग्रेस के पास। टीकमगढ़ लोकसभा क्षेत्र में पर्यटन स्थलों की बात करें तो ओरछा, गलकुंडार, कुंडेश्वर, महादेव उमरी का सूर्य मंदिर, दुबेला, जटाशंकर और भीमकुंड मुख्य हैं। टीकमगढ़ लोकसभा क्षेत्र से सुधीर जैन की रिपोर्ट, डीडी न्यूज भोपाल। लोकतंत्र के महापर्व चुनाव में हर नागरिक